कल देश का बजट आने वाला है और सहारनपुर में लकड़ी का कारोबार जो विश्व विख्यात है, यहाँ से दूर दूर तक लकड़ी का सामान एक्सपोर्ट होता है, वुड कार्विंग के लिए फेमस है। आइए यहाँ के व्यापारियों से जानते हैं कल के बजट में उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। कल बजट आ रहा है, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? हमारी अपेक्षा सरकार से है कि जो यहाँ छोटे छोटे उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, ये यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं देश में विदेशों में, जो भारत सरकार को डॉलर के रूप में विदेशों से रुपये ला के देती है, सरकार को अरबों खरबों रुपये का फ़ायदा होता है। तो सरकार ने इन उद्योग के बढ़ावे के लिए ये कोई कार्य नहीं किया, जिसमें ये कार्य होना चाहिए था। यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पर स्कूल होना चाहिए, यहाँ पे मेडिकल की सुविधा मिलनी चाहिए, यहाँ पे जो ज़्यादातर बिजली का काम लकड़ी के में इस्तेमाल होती है बिजली, जिसका 7 रुपये यूनिट सरकार ने कर रखा, मजदूरों को का इन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है, हो बिजली का बिल बहुत कम होना चाहिए। अगर ये बिजली का रेट कम करते हैं और ये और जो सेल टैक्स का मसला है, इनकम टैक्स का मसला है, इसमें जो परेशानी उद्योग को आ रही है वो परेशानी ख़त्म होनी चाहिए, और जो GST इन्होंने लगाई वो GST कम होनी चाहिए। अगर इन्होंने मजदूरों का कारीगरों का ख्याल रखा तो जो डॉलर के रूप में अरबों खरबों रुपया सरकार बाहर से वसूल करती है लकड़ी के उद्योग के नाम पर, वो उद्योग को फ़ायदा पहुंचेगा। हर चीज़ के रेट कम होने चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी ख़त्म होनी चाहिए। काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं जी जी, क्या उम्मीद क्या है, क्या चाहते हैं बजट में आप? देखिए, इसमें लकड़ी के काम में लाखों लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये है कि सरकार ने जो GST लगा रखी है इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा है, 28% तक GST है, इसे कम करना चाहिए, 12% तक इसे GST को लाना चाहिए। और जो लकड़ी आती है, लकड़ी अब बहुत महंगी मिल रही है, लकड़ी का रेट कम होना चाहिए ताकि हम सस्ती लकड़ी बनाकर बाहर भेजते हैं, विदेशों में जाती है और उससे लाखों डॉलर जो है सरकार को भी मिलती है विदेशी मुद्रा, और इससे हमारे भी जो है उद्योग धंधे चलते हैं। तो हम सरकार से यही कहते हैं कि भाई आप GST कम करें और लकड़ी के रेट कम कराएं। आप भाई साहब, आप बताइए इसे यहाँ पर व्यापार में क्या दिक्कत लग रही है और क्या गवर्नमेंट से आप चाहते हैं कि व्यापार? मेरा नाम मोहम्मद फैसल। हमारी सरकार से यही अपेक्षा है कि इस पर वुड कार्विंग पे GST लगी हुई है 12%, वो कम हो जाए, क्योंकि वुड कार्विंग के माध्यम से बाहर से डॉलर आता है, इंडिया के अंदर करेंसी बढ़ती है, डॉलर आ रहा है, तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि इसमें GST कम हो जाए। पूरी दुनिया में माना जाता है सहारनपुर की वुड कार्विंग को, बस यही अपेक्षा करते हैं हम कि इसमें GST कम हो जाए। आप जनाब बताइए, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं बजट को लेकर, क्या चाहते हैं कि ताकि आपका कुछ? सर, हम तो यही चाहते हैं, जैसे हमारा सहारनपुर सिटी है ये वर्ल्ड में फेमस है, नेशनल इंटरनेशनल इसका व्यापार है वुड कार्विंग का, हर जगह इसका निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हमारे पुरखों ने इसको सींच सींच कर इसे यहाँ तक पहुँचाया, इसको नाम दिया, इसको कला दी, अपना खून पसीना इसमें लगाया, उस हिसाब से अगर सरकार इसमें आधा भी योगदान देती, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो ये कहीं से कहीं पहुंच जाता इसका व्यापार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये देखिए सड़कों की हालत देखिए, बाहर का जो बायर आने वाला है वो पहले तो इस चीज़ को देखता है, डस्ट उसके मुँह में जाएगी, वो नहीं आएगा यहाँ, इतनी गंदगी है यहाँ पर, बिजली की कोई व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू नहीं है। कहा जाता है 20 घंटे बिजली दी जाएगी, लेकिन 15 से 12 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, अब पहले इससे भी कम मिलती थी। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर से बाहर आने की कोई व्यवस्था ठीक से नहीं है। जो कारीगर है, जो काम कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग जिन्होंने लगाए हुए हैं, जो छोटे छोटे कारीगर हैं, उनको 500 रुपया पर डे के हिसाब से भी दिहाड़ी नहीं पड़ रही है। ऊपर से हमारे पे 12% को लगाया गया है, पहले ये करमुक्त था, अब इस पर 12% GST लगाई है। जब आपने 12% GST लगाई है, जितनी सुविधा आपको हमें देनी चाहिए, हम वर्ल्ड में फेमस है, हम कला को जिंदा रखे हुए हैं, हमारे पुरखों ने इसमें अपना पूरा बलिदान दिया है, तो हम यही सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान दें और आर्टिजन्स को थोड़ी स्कीम में लाएँ, हमें इसमें स्कॉलरशिप दें, हमारे कारीगरों को दें जिन्होंने इसको जिंदा रखा हुआ है। अगर इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का इधर ध्यान नहीं हुआ तो एक दिन आएगा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आने वाली जनरेशन इससे जुड़ना नहीं चाह रही है, क्योंकि इसमें ना कमाई हो रही है, ना दिहाड़ी 500 रुपये की भी नहीं पड़ रही है, कोई भी इससे साथ जुड़ना नहीं चाहता आगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ के व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं और उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं इस बजट से, और अधिकतर लोगों की मांग है कि इस पर पहले कर मुक्ति अब GST मुक्त होना चाहिए, यहाँ का व्यापार तभी बढ़ पाएगा। कैमरा पर्सन दीपांशु शर्मा के साथ मुकेश गुप्ता, ABP गंगा, सहारनपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।